इस फोन में है वो सारे फीचर्स जो आपके बोरिंग वर्क डे को बना दे एकदम इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग. आईपीएस डिस्प्ले, वाइड एंगल सेल्फी कैमरा एंड व्हाट नॉट, स्टीरियो स्पीकर्स भी. व्हाट द हेल, ये फोन बार बार गर्म क्यों हो रहा है? कुछ करो इसका. बैड हेड. अरे नहीं चाहिए यार, लीव मी अलोन. देखो यार, इसको क्या चाहिए, पहले ही शिफ्ट 4 घंटे बढ़ चुकी है. सौरभ जाके देखना क्या प्रॉब्लम उसका. यार सर एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तुम्हारा ये स्टूपिड डब्बा फोन है. कितनी बार कहूँ बार बार गर्म हो रहा है, पकड़ू कैसे उसे मैं? और ये मीनाक्षी कहाँ है? मैम प्लीज, हाउ डेयर यू, तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? आई एम रॉकीज वाइफ. ओके मैम, मैं आपको मना कहा कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि शूट के बीच में मैं कैसे. मुझे रॉकी से अभी मिलना है, इट्स वेरी अर्जेंट. ओके मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं. मैं शूट खत्म होते ही आपको उनसे मिलवाऊंगी, आई प्रॉमिस. मैम प्लीज, रॉकी सर आपको बुला रहे हैं. तुम चलो, मैं आती हूँ. कुछ भी हो जाए इन्हें अंदर मत आने देना. रॉकी तुमने बुलाया? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना. यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था ना, ये फोन बार बार गर्म हो रहा है, कुछ किया तुमने उसका? नहीं. हाँ मैंने चेक किया है. क्या चेक किया, फिर भी तो गर्म हो रहा है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए मेरे पास. बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो. जस्ट चिल. अरे क्या चिल, टेक इट इजी यार. सर अभी ठीक है. देखो आखिरी शॉट लेते हैं. ओके इस शॉट में सिर्फ फोन बजेगा, फोन की घंटी बजेगी, तुम्हें फोन उठाना है, कान पे लगाना है और हलो हलो बोलना है. ओके लास्ट शॉट. इट्स लास्ट शॉट, दैट्स इट, प्लीज डू इट. कम ऑन, कम ऑन. रेडी सर, रोलिंग, मेकअप, चलो. ओके रोलिंग एंड एक्शन. हेलो, स्मार्टफोन नेलो कंपनी का अब तक का सबसे प्रीमियम और सबसे महंगा स्मार्टफोन होता. इस कंपनी को उम्मीद थी कि स्मार्टफोन के आते ही उनका मार्केट में कंपटीशन सारे स्मार्टफोन को डाउन कर देगा. उल्टा यही स्मार्टफोन उनके गले का फंदा बन गया. एक शूट के दौरान अचानक से ये स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया और नेलो मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और हम सबके चाहते सुपरस्टार रॉकी की मौत हो गई उसी समय. आनंद जी, आपने अपने स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को रुकवा दिया है, क्या आपको अभी भी शक है कि आपके सारे के सारे मोबाइल डिफेक्टिव और जानलेवा हो सकते हैं? आपके इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट के पीछे, इस लॉन्च के पीछे इतने पैसे खर्च किए फिर भी एक्सीडेंट क्यों? कहीं आपकी कंपनी ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सेफ्टी से खिलवाड़ तो नहीं कर लिया, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है. हमारा हर एक मोबाइल टॉप लेवल की सिक्योरिटी और क्वालिटी चेक से गुजरता है. हमारे किसी भी हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये हादसा कैसे हुआ, ब्लास्ट कैसे हुआ, हमें बताइए. जी सर. जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था. कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जानने की जितनी जल्दी आप लोगों को है उतनी हमें भी है. इसीलिए हमने ये केस CID को सौंप दिया है. सर क्या सच में मोबाइल में कोई डिफेक्ट था या फिर किसी की साजिश है, हमें जानना है सर, बताइए. देखो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है, आपको हम बता देंगे. चाहते हैं वहाँ पे एक मर्डर हो चुका है सर. प्लीज सर, प्लीज सर, आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलना. प्लीज इन्हें अपना काम करने दीजिए. नो मोर क्वेश्चंस प्लीज. सर बॉडी को फॉरेंसिक भेज दिया. गुड.
आनंद एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है? सर, हादसे के फौरन बाद मैंने बाकी के सारे मोबाइल टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए थे, किसी भी हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। तो ये भी तो हो सकता है कि फोन में अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। सर, प्रॉब्लम कोई नहीं थी, प्रॉब्लम पैदा की गई थी, और किसने की है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसने? कृष्णा। कृष्णा? ये कृष्णा कौन है? एलोहा कंपनी का CEO, हमारा सबसे बड़ा राइवल। हर बार हमारे बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करता है, इतने सारे केसेस उसी की वजह से है। इतने केसेस मतलब? सर, कई सारे हैं। एक बार तो एलोहा कंपनी ने हमारी कंपनी के मोबाइल का डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों को चुरा लिया था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी कंपनी की बदनामी करता है वो। 100% ये सब उसी ने किया है। तो आप लोगों ने शूट से पहले हैंडसेट चेक नहीं किया था? सर, चेक किया था, हमारी टीम को उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। वैसे यहाँ शूट पर हैंडसेट संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? मीनाक्षी। मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? रॉकी की पर्सनल असिस्टेंट। मीनाक्षी? मीनाक्षी हो ना? जी सर। मीनाक्षी, एक बात बताओ, यहाँ तो सब लोग कह रहे थे कि फोन में कुछ गड़बड़ थी, गर्म हो रहे थे। फोन जब तुम्हारे पास था तो तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगी? सर, मुझे सच में कुछ भी नहीं लगा। हाँ, रॉकी बोल रहा था कि फोन गर्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगा हर शूट की तरह जैसे वो तमाशा करता है, यहाँ पर भी तमाशा कर रहा है। तो आपने इग्नोर कर दिया? सर, मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे, प्रेस को संभालना, मीडिया को देखना। सर, यहाँ पर शेड्यूल भी थोड़ा लेट हो रहा था, मैं अकेले क्या क्या संभालती। शांत हो जाओ सर, मीनाक्षी ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है। इफ यू डोंट माइंड, आपको जो पूछना है वो बाद में पूछ लेंगे प्लीज। आप कौन है? सर, मैं विशाल, मीनाक्षी का फियांसे। वैसे तुम भी शूट पर थे? नहीं सर, मुझे पता चला कि यहाँ पर हादसा हुआ है और मुझे मीनाक्षी की चिंता हुई तो मैं यहाँ पर आ गया। देखो, मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं है, पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जी सर। क्या हुआ था उस मोबाइल फोन के साथ? कौन कौन, किसने किसने छुआ उस मोबाइल फोन को? कहाँ से आया मोबाइल फोन? सर, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। मैंने और असिस्टेंट डायरेक्टर ने दोनों फोन चेक किए थे, है ना? कुछ भी नहीं था उसमें सर। क्या कहा तुमने? दोनों फोन चेक किए थे, मतलब दो दो फोन थे? यस सर। जनरली शूटिंग्स में हम लोग एक बैकअप रखते हैं, लेकिन दोनों ही पीसेस ब्रांड न्यू थे, सील पैक बॉक्सेस में, डायरेक्ट फैक्ट्री से आए थे। तो फिर दूसरा फोन कहाँ है? सर, वो कहाँ है? यहीं कहीं होगा सर। हमें तो कुछ नहीं मिला मैम। वो दोनों मोबाइल सेट पर ही होने चाहिए थे, कहाँ गया? अरे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसे संभालने की। मैंने बाकी सारी प्रॉपर्टी के साथ ही रखा था। हमने पूरा सेट चेक किया, कोई दूसरा फोन नहीं था। कहाँ गया फोन? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है? सर, मुझे नहीं पता। शायद किसी ने इसी बात का फायदा उठाया, देखा होगा फोन नया है, किसी का ध्यान नहीं है, चुरा लिया। सर, कोई ब्लास्ट होने वाला फोन क्यों चुराए? पंकज, फोन ब्लास्ट होगा इसकी कोई गारंटी होती है क्या? किसी मैलफंक्शन की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी फोन ब्लास्ट होते हैं। तो आपका मतलब है ये एक्सीडेंट भी हो सकता है? अभिजीत, ये एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी। देखते हैं फॉरेंसिक टेस्ट से क्या पता चलता है। ये बात तो 100% पक्की है तारिका, इस हैंडसेट पर केमिकल एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल तो किया गया है। एक्सप्लोजिव मिले तो हैं, लेकिन कौन से केमिकल्स? यही पता लगाना तो बाकी है अभी। लेकिन मोबाइल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है सर। हाँ, ये पक्का है। ठीक है, हमें एक्सप्लोजिव केमिकल्स मिले हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन से हैं और वो इस फोन में कैसे इम्प्लांट किए गए, ये बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो क्या फोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, मतलब अभिजीत, फोन में जो एक्सप्लोजन हुआ है वो कोई एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन नहीं था, किसी ने जानबूझकर ये एक्सप्लोजन करवाया है, रॉकी की जान ले ली है, खून किया है उसका। सर, वहां से दो फोन गायब हुए, एक तो ये ब्लास्ट हो गया, दूसरा खून ही लेके निकल गया है। बॉम्ब साथ में लेके घूम रहा है सर, बॉम्ब।
एक बात और, हर हैंडसेट का अपना एक IMEI नंबर होता है, यूनिक। इस हैंडसेट का भी था, यहां पर लिखा हुआ है। अब ये बॉक्स, जो इस हैंडसेट का बॉक्स है, इस पर भी एक नंबर लिखा हुआ है। हाँ, तो सर इस बॉक्स पे जो IMEI नंबर लिखा है और ये फोन का IMEI नंबर, ये दोनों मैच नहीं करते। हुआ? मतलब? मतलब ये हैंडसेट जो ब्लास्ट हुआ है वो ओरिजिनली इस बॉक्स का हैंडसेट है ही नहीं। मतलब इस बॉक्स के अंदर जो ओरिजिनल हैंडसेट था उससे बदलकर उसकी जगह पे ये दूसरा हैंडसेट रखा गया, एक्सप्लोसिव केमिकल वाला, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखता था। सर जिसने भी ये किया है उसे ये डुप्लीकेट मोबाइल फोन मिला कहां से होगा? इतने सारे लोग थे वहां पे, किसी को पता कैसे नहीं चला कि ये डुप्लीकेट मोबाइल फोन है? और तो और सर, वो CEO आनंद सर, उसे कैसे समझ में नहीं आया? उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ। काफी लंबी प्लानिंग कर रखी थी सर, लेकिन ये जो भी हुआ अदला बदली, ये शूटिंग के सेट पे ही हुआ होगा सर। हाँ अभिजीत, बिल्कुल। फ्रेडी एक काम करो, शूटिंग की जगह पे जाकर एक एक कोना छान और एक एक इंच देखो, देखो ओरिजिनल फोन मिलता है क्या, पता लगाना पड़ेगा ये बदला कैसे गया। और पंकज, नेलो कंपनी का CEO आनंद, उससे भी जाकर मिलो, पता लगाओ उससे कि उन्हीं के कंपनी के फोन जैसा हूबहू दूसरा फोन आया कहां से, जिसमें ये केमिकल एक्सप्लोजिव लगाया गया था। केमिकल एक्सप्लोजिव? ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों ही पीसेस ब्रांड न्यू थे, डायरेक्ट फैक्ट्री से सील पैक बॉक्सेस में मेरे पास आए थे। फैक्ट्री से तो सील्ड बॉक्सेस से निकले थे, पर शायद रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़? मतलब? मतलब जो हैंडसेट ब्लास्ट हुआ उसका IMEI नंबर और उसके बॉक्स के ऊपर जो IMEI नंबर है वो दोनों मैच नहीं होते। क्या? खूनी ने तो ओरिजिनल हैंडसेट को बदल के वो बॉम्ब वाला हैंडसेट रख दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके पास एग्जैक्टली वैसे ही दिखने वाला हैंडसेट आया कहां से? सर याद आया, दो हैंडसेट्स चोरी हो गए थे। यस सर, 4 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें टॉप लेवल के IT एग्जीक्यूटिव्स, टेक्नो ब्लॉगर्स, मीडिया, प्रेस सबको बुलवाया था ताकि हमारे मोबाइल फोन की टेस्टिंग हो जाए और हम हमारे नए स्मार्टफोन्स उनको दिखा सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि 2 हैंडसेट्स चोरी हो गए। और ये बात आप हमें अभी बता रहे? सर मुझे लगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैंने सोचा कि आए हुए गेस्ट पर चोरी का इल्जाम लगाकर क्यों अपनी कंपनी का नाम खराब करूं। अगर पहले बताते तो शायद रॉकी की जान बच जाती। एक मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया और दूसरा अभी भी वो खूनी के पास है, जो ना जाने कब और कहां फटेगा। ये वो फोन से जो शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले थे, इनके सीरियल नंबर बॉक्स पे लिखे हुए सीरियल नंबर से मैच होते हैं। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है इस खूनी ने सर, मोबाइल फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिंगरप्रिंट्स मिटाए और कचरे में फेंक दिया। हाँ, और फिर ये दोनों फोन्स उन बॉम्ब वाले डुप्लीकेट फोन के साथ रिप्लेस कर दिए, जिसमें से एक शूटिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया और दूसरा अभिजीत जरूर अभी भी खूनी के पास ही है। वो फोन ढूंढना पड़ेगा हमको। सर एक बार खूनी और फोन ऑन करने की गलती कर दे, फौरन ट्रेस कर लेंगे सर। मगर डर तो इस बात का अभिजीत कि कहीं वो दूसरा ब्लास्ट ना करे। हाँ सर, जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर शूटिंग के दिन तक खून की इतनी लंबी प्लानिंग कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। आई एम श्योर सर उसका अगला प्लान फिक्स होगा। एक काम करो फ्रेंड, मोबाइल लॉन्च के कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की लिस्ट बनवाओ और देखो उनमें से कितने लोग शूटिंग पर भी मौजूद थे। खूनी 100% प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वहीं से उसने ये मोबाइल फोन चुराए हैं, बम वाले फोन के साथ बदला और शूटिंग में भिजवा दिया है। और अभिजीत एक काम करो, इस आलोहा कंपनी के CEO कृष्णा से जाकर मिलो। सर ये कृष्णा जरूर कुछ ना कुछ तो जानता होगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ हमारे कहने पर इतनी जल्दी आ गए। देखिए आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। पहले तो ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एक बात तो पक्की है, नेलो कंपनी के फोन को लेकर जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक की जान भी चली गई, वो ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था।
ये प्लान्ड खून किया गया है। तो फिर सर किसने मारा रोकी को? कहीं इसमें नेलो की राइवल कंपनी का हाथ तो नहीं? देखिए इस वक्त ये कहना कि किसने खून किया है या फिर क्या नेलो कंपनी के राइवल ने ये सब किया है, ये सही नहीं होगा। इनका फोन बिल्कुल सही है, सही था, लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है वो किसी ने उस फोन के साथ छेड़खानी करके ब्लास्ट करवाया है, जानबूझकर। सर अगर किसी की चाल थी तो आप उन लोगों को कब तक पकड़ोगे? बहुत जल्दी पकड़ेंगे और ये मेरा वादा है। कौन? CID। ओ, आप यहां भी आ गए। लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाकर आपका जी नहीं भरा। ऐसा कृष्णा लगता है आपने न्यूज ठीक से देखी नहीं है। आपके ऊपर इल्जाम हम लोग थोड़ी ना लगा रहे हैं, मीडिया वाले लगा रहे हैं। सर ये मीडिया वालों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी और ये जो इल्जाम है ना सब बकवास है, गलत है। गलत क्या है और सही क्या है इसका पता तो हम लोग लगा ही लेंगे। एक बात बता दूं सर आपको, ये रॉकी की मौत का मेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी और नेलो कंपनी के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। सुना है कोर्ट केसेस हैं आपके ऊपर मोबाइल का डिजाइन चुराने के लिए। कौन सी कंपनी में राइवलरी नहीं होती है सर, और रही बात डिजाइन की तो डिजाइन मैंने नहीं चुराए हैं, मेरी डिजाइन आनंद ने चुराई है। मेरी कंपनी की रिसर्च, मेरी कंपनी की ब्लूप्रिंट लेके गया है वो। और एक बात बताऊं आपको, आनंद की कंपनी के कई एम्प्लॉयज ने वो कंपनी छोड़ दी है क्योंकि उनको मेहनत के हिसाब से वहां पर सैलरी नहीं मिलती है। और उस कंपनी का एक एम्प्लॉय यहां मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे चुका है। नेलो कंपनी का एम्प्लॉय? जी। उस आदमी की डिटेल्स मिल सकती है मुझे? बिल्कुल, मैं अभी दे दे रहा हूं। सर कृष्णा के यहां जिस आदमी ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है वो आनंद का आदमी है सर, आनंद की कंपनी का सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो फिर वो नौकरी क्यों छोड़ना चाहता था? सर रीजन जेन्युइन है, अपनी सैलरी से खुश नहीं था, बाकी रिकॉर्ड चेक किया है ठीक ठाक ही लग रहा है। तो अब वो कौन सी कंपनी में, आनंद की कंपनी में या फिर कृष्णा की कंपनी में? नहीं सर, कृष्णा के यहाँ तो अभी उसका प्रोसेस में है, तो आनंद की कंपनी में, लेकिन कृष्णा के साथ काफी मीटिंग हुई है उसकी इस बीच। अभिजीत अब भी उस पर नजर रखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी उस पर। रेडी? तो दूसरे फोन के बारे में क्या पता चला? अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है सर, सिग्नल मिलते ही इन्फॉर्म कर दूंगा। समझ में नहीं आता अभिजीत, ये इस सारे चक्कर में किसका फायदा हो रहा है, किसका फायदा होगा? सर आपने बुलाया था मुझे? देखो मीनाक्षी घबराओ मत, बस कुछ सीधे साधे सवाल है, आराम से बता देना। कल शूटिंग में रॉकी का किसी के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? सर रॉकी के साथ शूट करना वाज रियली डिफिकल्ट। क्या मतलब? वो हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां निकालता रहता था, हमेशा मुझे टोकता रहता था, डांटता रहता था, कहता था तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो कल भी सेट पे कुछ झगड़ा हुआ था? सर किस शूट पे नहीं होता था, हर सेट पे कोई ना कोई तमाशा कर ही देता था। कल भी वो सब पे चिल्ला रहा था, सबकी गलतियां निकाल रहा था, फिर वो विनी और बिमल भी आ गए। विनी मतलब रॉकी की वाइफ? जी। उसने क्या किया? सर रॉकी और विनी की कभी नहीं बनती थी, रॉकी बोलता था कि विनी ने उसका जीना हराम कर रखा है। कल भी वो सेट पर आई और पता नहीं क्यों मुझ पर चिल्लाने लगी। हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? आई एम रॉकीज वाइफ। ओके बस सर, फिर किसी तरह मैंने सिचुएशन संभाली। मीनाक्षी ये बिमल कौन है? बिमल सर ये रॉकी का एक्स बॉडीगार्ड था। वो वहां क्यों आया था? बहुत गुस्से में था वो। मैं रॉकी से मिलने जा रहा हूँ। सर परमिशन के बिना आप यहाँ? किसने कहा? सर बिमल व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैं सिर्फ इसे ये कह रहा हूँ कि मुझे रॉकी से मिलना है। शूट चल रहा है, डोंट रेज योर वॉइस, थोड़ा धीरे बात करो। मुझे उससे अभी मिलना है। हाँ लेकिन मैं शूट के बाद मिलवा दूंगी तुम्हें। शूट के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं मिल सकता मैं? बिमल थोड़ा धीरे बात करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? बिमल यहाँ पे क्या कर रहा है तू? मैं सिर्फ इन लोगों से ये कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, बाहर ले जाओ। क्यों नहीं करनी मुझसे बात? सर चलिए। सर आप निकलिए यहाँ से। क्यों नहीं मैं तुमसे बात कर सकता? धक्के मार के इसको निकालिए। सर आप चलिए। रॉकी मैं तुम्हें देख लूंगा। सर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर मैं तो पागल हो गई थी सब संभालते संभालते। अच्छा ये विनी और बिमल, इनके अलावा कोई और भी आया था सेट में?
नहीं सर, और तो कोई भी नहीं आया। ठीक है मीनाक्षी, तुम जाओ, अगर कुछ याद आए तो हमें बता देना। जी सर। अभिजीत, इस मीनाक्षी पर नजर रखनी पड़ेगी। सर, ये खुद इतनी घबराई हुई है, आई डाउट इसने कुछ किया होगा। सर पंकज, डाउट तो हमें उन मोबाइल फोन्स पर भी नहीं आया था, मगर ब्लास्ट तो हुआ ना। इस मीनाक्षी की पूरी कुंडली निकालो और इस विनी और बिमल से भी मिलो, पता तो चले शूटिंग पर उन मोबाइल फोन से ज्यादा ये दोनों क्यों गर्म हो गए थे। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। सीधे सीधे तरीके से मेरे पैसे दे दो। कौन से पैसे? डील हुई थी कि काम खत्म करने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। काम तो तुमसे हुआ नहीं, तो किस बात के पैसे मांग रहे हो? तुम्हें रॉकी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी मैंने लाके दी ना, तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है, ओके? तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, और तुम जैसे छोटे मोटे लोगों से ना मैं बात नहीं करती। निकलो मेरे घर से। तो वैसे मानने वाली नहीं हो ना? गेट आउट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ पकड़ने की? कौन हो तुम? सीआईडी। आपसे कुछ सवाल पूछने की हिम्मत कर सकते हैं अब? क्या किस काम की बात कर रहे थे तुम दोनों यहाँ? रॉकी का मर्डर करने का काम? नहीं नहीं, जितनी जल्दी मुंह खोलोगे उतना अच्छा होगा। सर सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने रॉकी को नहीं मारा। क्या इन्फॉर्मेशन चाहती थी तुम रॉकी के खिलाफ? इन्फॉर्मेशन तो निकालनी थी सर, क्योंकि रॉकी मुझे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था। मुझे ये बात तो पता थी कि उसका किसी सेलिब्रिटी के साथ अफेयर चल रहा है, पर रॉकी मुझे डिवोर्स दे देगा ये बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। सर, यही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसने मुझे कहा था। तुम हो कौन? मैं बिमल हूँ सर, मैं रॉकी का बॉडीगार्ड था। अच्छा, तो तुम ही थे वो जो सेट के बाहर तमाशा कर रहे थे अंदर घुसने के लिए? नहीं नहीं सर, मैं तमाशा करने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ अपनी पगार लेने गया था, लेकिन मैं भूल गया कि वो कितना घटिया इंसान। उसको लगता था कि मैं ही हीरो हूँ, बाकी सब कीड़े मकौड़ों की तरह। अभी सर, एक हफ्ते पहले की बात है, नशे के धुत में यहाँ वहाँ गिर रहा था सर, मैंने उसको संभाला, उसको उसकी गाड़ी में बिठाया, लेकिन सर सबके सामने उसने मुझे चपटा मार दिया। और तो और, मैंने उसको अगले दिन कहा कि जो तुमने किया वो सही नहीं किया, फिर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। फिर तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें, इसलिए तुम सेट पे गए थे रॉकी को मारने के लिए? नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल करने नहीं गया था, जैसे मैंने कहा है कि मैं सिर्फ अपनी पगार लेने गया था। मारने का तो बहुत मन करता था, लेकिन ये करने की हम दोनों ने कभी हिम्मत नहीं की। इतनी तकलीफ है तुम दोनों को उससे, इतना गुस्सा भरा हुआ, तुम दोनों के अलावा और कौन मारना चाहेगा? सर, बहुत लोग थे जो रॉकी को मारना चाहते थे, लेकिन हाँ सर, एक आदमी है जो रॉकी से सबसे ज्यादा नफरत करता है। कौन आदमी? सुहास। वो एक सेलिब्रिटी था जो रॉकी से पहले सुपरस्टार था। क्यों, हुआ क्या था इन दोनों के? कुछ हफ्ते पहले हम एक पार्टी में गए थे, वहाँ रॉकी ने बहुत पी ली थी, सुहास कहाँ था तू इतने दिनों से? तू यहाँ अकेले कोने में अंधेरे में बैठा हुआ? नहीं मतलब, हमने इतना हैंडसम चेहरा दिया है, इसे अंधेरे में छुपा के क्या फायदा? नहीं तुझे मुझे देख के तकलीफ तो नहीं हो रही है? ओह, वो नेलो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर मैं बन गया इसीलिए। देखो कि इनफ, बहुत हो गया। अरे ठीक है ना सुहास, हाँ जा रहा है। देख, तू सुपरस्टार था कल, लेकिन आज का सुपरस्टार मैं हूं। अरे ठीक है यार, कल स्टारडम तेरे पास थी, लाइमलाइट सारी तेरी थी, आज वो स्टारडम वो लाइमलाइट मेरे पास है। तेरी बकवास सुनने के लिए निकला हूं मैं यहां पे। वरना क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर सकता तू, यू आर टोटली फिनिश्ड। तू देख, सारे ब्रांड्स तेरे, सारे प्रोजेक्ट्स, सब कुछ मैं कैसे छीन लेता, और तू बस देखता रह जाएगा। मैं हूँ, छोड़ो छोड़ो।
मीनाक्षी आनंद कृष्णा विनी बॉडीगार्ड विमल हेल्थ एग्जीक्यूटिव और सुहास बता दो अगर खून किया है तो हाँ बोल दो आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते अगर मुझे रॉकी को मारना ही होता तो मैं इतने दिन इंतजार क्यों करता उसे कब का मार देता मैं इतने बेवकूफ थोड़ी ना हो तुम इतने हजारों लोगों के बीच उसे मारोगे रॉकी का मर्डर प्लान करना था ना तुम्हें ताकि तुम पर किसी को शक ना हो और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए ऑनेस्टली आई एम हैप्पी 1% भी दुख नहीं मुझे रॉकी के मरने का एक नंबर का कमीना एरोगेंट और घमंडी था वो अपने आसपास के लोगों को कचरा समझता था वो आई विश कि मैं उसे मार देता पर अफसोस मैंने उसे नहीं मारा चलो मान लिया कि तुमने उसे नहीं मारा लेकिन किसी और के हाथों तो मरवा सकते थे तुम उसे किसी को पैसे दे दिए होंगे मोबाइल में एक्सप्लोसिव डालने के लिए क्यों ऐसे घटिया आइडियाज केवल रॉकी सोच सकता था मैं नहीं तुम भी तो नफरत करते थे रॉकी से हाँ नफरत करता था मैं उससे और बहुत गुस्सा आया था मुझे जब नेलो ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया वो भी आधे पैसे लेकर 2 करोड़ लेकर मांग गया वो काम करने के लिए तुम्हारी मार्केट प्राइस से काफी कम इसलिए ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने बहुत तकलीफ हो गई ना तुम्हें बस उसी गुस्से में मार डाला रॉकी को सर कितनी बार कह चुका हूं मैं आपसे मैंने रॉकी को नहीं मारा और आपके बार बार पूछने से मैं ये मान नहीं जाऊंगा कि मैंने रॉकी को मारा है सर कैन आई प्लीज गो मैं अपना शूट बीच में छोड़कर आया हूं ठीक है जा सकते हो थैंक यू जाने दीजिए सर इसे बाद में देखते हैं एक सेकंड ये फोटोग्राफ्स देखिए सर सर ये वो सारे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और शूट दोनों जगह मौजूद थे ये नेलो का सीईओ आनंद अलोवा का सीईओ कृष्णा रॉकी की वाइफ विनी सर ये रॉकी की पीए मीनाक्षी ये रॉकी का एक्स बॉडीगार्ड विमल और ये सेल्स एग्जीक्यूटिव अब इनमें से सबके पास कोई ना कोई वजह तो थी रॉकी को मारने की रॉकी की पत्नी लो विनी कोई भी पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है और ऊपर से वो उसे डिवोर्स भी देने वाला था और ये बॉडीगार्ड विमल इसको तो सबके सामने जलील किया था ये आनंद और मीनाक्षी अभिजीत समझ में नहीं आ रहा है इनके पास कौन सी वजह हो सकती है रॉकी को मारने की आनंद इसी के कंपनी के बने हुए वो सेलफोन से जिसकी एड रॉकी कर रहा था अगर वो इसे मारता उसकी बदनामी थी आनंद की सर ये मीनाक्षी रॉकी की पर्सनल असिस्टेंट इसे तो 10% कमीशन मिलता था उसके हर एक असाइनमेंट पर ये अपनी खुद की कमाई क्यों बंद करेगी सर रॉकी की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान तो इसको ही हुआ है इसकी शादी रुक गई और कमाई बंद हो गई और ये सेल्स एग्जीक्यूटिव नेलो का जिसने आलोहा में अप्लाई किया था जॉब के लिए ये भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था यस सर मगर वो सेट में मौजूद नहीं था सर मुझे नहीं लगता उसका कोई लेना देना है सर वो दूसरा मोबाइल ऑन हो गया तो फिर ट्रेस करो जल्दी देखो कहां पर है ये तो किसी फिल्म का शूटिंग लगा जो लोकेशन देखो सर उस तरफ है क्या पीस अच्छा है एकदम पेटी पैक मोबाइल आसपास ही है यहीं पे होगा अरे बैटरी चार्ज थोड़ा ज्यादा अरे छट अरे भाई गर्म है अरे क्या कर रहे हो सबको पीछे हटो अरे मेरा मोबाइल है यार पीछे हटो आप सब लोग पीछे हटिए प्लीज पीछे हटिए 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 चलो हटो Hey, look!
बस बहुत भाग लिया। मोबाइल तेरे पास कहां से है? मेरा मोबाइल है साहब। तेरा मोबाइल है? हाँ, चोरी का मोबाइल है ये, चोरी का। सच सच बता, कहां से आया तेरे पास ये मोबाइल? बताता हूँ साहब। साहब एक जगह मैं शूटिंग कर रहा था साहब, उधर स्पॉट बॉय था, उधर से चुराया मैंने। साहब मेरे को लगा नया मोबाइल है, बेच के थोड़ा पैसा बना लूंगा साहब, और कुछ नहीं साहब। तो इतने दिनों तक ये मोबाइल फोन स्विच ऑफ क्यों था? वो मैंने न्यूज में देखा कि मोबाइल में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो मैंने बंद कर दिया था। और फिर तुमने न्यूज में देखा कि मोबाइल एकदम ठीक ठाक है, तो उसे ऑन करके बेचने जा रहा था। वो तो अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पे टाइम से पहुँच गए, वरना इस मोबाइल की तरह तू भी फट जाता। तभी मेरे को लगा कि मोबाइल इतना गर्म क्यों है। थैंक यू साहब, आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों की वजह से मैं बच गया साहब। साहब मैं जाता हूँ साहब। मेहरबानी मेहरबानी तो आप करेगा तो चल। मेरा शक एकदम सही निकला बॉस। इस मोबाइल की जो बैटरी है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ की गई मतलब? इस बैटरी पर एक खास किस्म का केमिकल लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव और एक्सप्लोजिव है। अगर मोबाइल को ऑफ करके रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो ऑन करने के साथ साथ मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। लेकिन क्योंकि इस पर एक खास किस्म का केमिकल लगा हुआ है, इसलिए आमतौर पर जितने बैटरी गर्म होती है उससे 10 गुना ज्यादा गर्म होती है और 10 गुना ज्यादा तेजी से गर्म होती है। मोबाइल ऑन किया, केमिकल लगा हुआ है, ब्लास्ट हो सकता है। तो स्पॉट बॉय ने मोबाइल ऑफ कर रखा था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और आप लोगों ने उसे टाइम पे पकड़ लिया, वरना पता नहीं और कितने लोग इंजर हो जाते। मगर ये केमिकल इस बैटरी पर लगाया कब और कैसे और फिर किसने? सर क्या हुआ पंकज, इतना हाफ क्यों रहा? आपने न्यूज सुनी कि नहीं? कौन सी न्यूज? सर आप सोच नहीं सकते नेलो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है। कौन है? सुहास। व्हाट? हाँ सर, और जितना पैसा वो लोग रॉकी को दे रहे थे ना, उससे 4 गुना ज्यादा सुहास को दे रहे हैं। सर रॉकी की मौत से सबसे बड़ा फायदा तो इस सुहास को हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको, रॉकी से बदला भी ले लिया उसने। और मैं क्या करता सर, सुहास को साइन करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि रॉकी के मौत के बाद आपने फिर से सुहास को ही अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? सुहास की मार्केट इमेज अच्छी है, इस हादसे के बाद मेरी कंपनी की ब्रांड बच गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि एसीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी कि हमारे मोबाइल फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर कुछ सही हुआ। कुछ सही हुआ क्या मतलब? मतलब ये कि इस हादसे के बाद हमारे शेयर्स के दाम बहुत नीचे आ गए थे, एसीपी साहब की स्टेटमेंट के बाद उनमें सुधार आया। मुझे जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना था और उसके लिए मैंने सुहास को साइन किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को सुहास पर भरोसा था। तो आपने सुहास को 4 गुना ज्यादा पैसों में साइन किया, ये तो लॉस हुआ ना? ये कोई लॉस नहीं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। एनीवेज आनंद जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। इस हादसे के बाद जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट थी, वैसे सबसे बड़ा फायदा तो इस सुहास को हुआ। पंकज ऐसा लगता है कि बात वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, ये कोई ऊंचा गेम है। आनंद ने क्या कहा कि जैसे उसके मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ, शेयर्स के भाव गिर गए, और एसीबी साहब के स्टेटमेंट देने के बाद शेयर के भाव नॉर्मल हो गए। लगता है हमारा मुजरिम, उसका नाम उस लिस्ट में है जिसमें शहर के अमीर लोगों के नाम आते हैं, स्टॉक मार्केट। एसीबी साहब से बात करते हैं। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट की ताजा खबर। रेलो कंपनी के मार्केट में सुधार आ गया है। डाउन होने के कारण ये शेयर अभी साइलेंट। सर हां, स्टॉक मार्केट गए थे सर, वहीं से आ रहे हैं। क्या पता चला? आप सही थे सर, नेल्लो के शेयर प्राइसेस गिरते ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स नुकसान से बचने के लिए घबराकर अपने स्टॉक्स बेच दिए, कई लोगों ने खरीदे भी हैं। सर कुछ रेगुलर कंपनीज है जो नेल्लो के शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन 3-4 ऐसे लोग हैं जो पहली बार नेल्लो के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दया, जिन जिन पर हमारा शक था ना, उन सबको ब्यूरो बुला लेते हैं, गुड न्यूज देते हैं उनको, गुड न्यूज।
सब लोग आ गए। सर आपने फोन पर बताया था कि रॉकी के खूनी का पता चल गया। जी हाँ, रॉकी के खूनी का पता चल गया है और वो अभी इसी वक्त इसी कमरे में है, आप लोगों में से कोई एक। बस बेहतर ये होगा वो खुद सामने आकर कह दे कि उसी ने किया है। अरे सर, वो दूसरा फोन जो शूटिंग के लोकेशन से चोरी हो गया था वो मिल गया। फैंटास्टिक दया, दूसरा फोन मिल भी गया, क्या बात है आनंद। ये तुम्हारी कंपनी का फोन है ना? जी हाँ सर, लेकिन ये किसने चुराया था, कौन है वो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। देख काम करते हैं, सांकृत को यहाँ बुलाते हैं, कहते हैं इसे चेक करो, है ना? बस आप लोग बैठे हो, हम अब भी आते हैं। हुँ? जी हाँ बड़ी प्लीज। अच्छा होगा जो तुम CID को सब कुछ सच सच बता दो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मुझे तो पहले से ही पता है कि किसने मोबाइल को चुराया था और किसने खून किया है। चोरी करने का काम तुम्हारा है आनंद, जैसे तुमने मेरा डिजाइन चुराया था। रॉकी को तो मैंने नहीं मारा, लेकिन एक दिन मेरे हाथों तुम्हारा खून जरूर हो सकता है। इसके सिवाय तुम कर भी क्या सकते हो, बिजनेस में तो मेरा हाथ नहीं पकड़ सके तुम। आपस में लड़ना बंद करो, देखो पहले ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर आप में से किसी ने मर्डर किया ना तो ज्यादा देर बचेगा नहीं, CID वाले एक दो दिन में पकड़ ही लेंगे, देख लेना तुम। ये सही कह रहे हो, और आप लोग सब क्यों झगड़ रहे हो? मुझे तो लगता है ये विमल है ना, ये विमल ने ही रॉकी को मारा है। अरे मुझे क्यों ब्लेम कर रही, अपने पति का पीछा करने के लिए तुमने कहा था, मुझे तो तुम पे शक है। ले फोन करो। फोन क्यों नहीं उठा, फोन लेकिन मैंने कहा ना कोई बॉम्ब बॉम्ब नहीं है। लेकिन सर मीनाक्षी ने तो कहा कि उस मोबाइल में बॉम्ब है। हमें पता चल चुका था कि रॉकी का खूनी कौन है, मगर हम चाहते थे कि खूनी खुद सामने आ जाए। जो मीनाक्षी आपको पता था ना उस फोन में बॉम्ब था, और इसीलिए धुआं देखने के बाद सबसे पहले आप यहां से भागी। तुमने रॉकी को मारा, ये सब नाटक तुमने रचा था? हाँ, और फिर हमने उस मोबाइल में जानबूझ के वो स्मोक डिवाइस लगाया ताकि धुआं निकलता रहे। पंकज, मैं विशाल, मीनाक्षी के फियांसे। देखा ना, रॉकी की मौत के पीछे और तुम्हारी कंपनी के शेयर्स के भाव नीचे गिरने के पीछे कौन लोग थे?
मीनाक्षी और उसका मंगेतर विशाल। जब हमने नेलोफोन्स के इन्वेस्टर की लिस्ट चेक की तो पता चला कि विशाल की बहन सविता ने बहुत सारे शेयर्स बहुत कम दाम में खरीदे थे, और जब शेयर्स के रेट बढ़ गए तो उसे बेच दिया और 20 गुना प्रॉफिट कमाया। क्यों? सच है ना ये? तो बताओ क्यों मारा रॉकी को? सर, रॉकी मुझे जॉब से निकालने वाला था। सर, मैं तंग आ गई थी उसकी बदतमीजियों से, उसके तमाशों से, उसके बुरे बर्ताव से। सब कुछ ठीक जा रहा था सर, एक दिन अचानक कहता है कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, एक नई पीए रख लेगा। सर, मेरी शादी की तैयारियों के लिए इतना पैसा चाहिए था, मैं कहां से लाती? मैं पागल होगी। सर, मैंने मीनाक्षी को स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था। मैं अक्सर स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमाता था। सर, पर स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस को ऐसी सिचुएशन में कैसे यूज करना था समझ नहीं आ रहा था। फिर तुम नेलो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां कंपनी अपना नया फोन लॉन्च करने वाली थी, है ना? और फोन टेस्ट करने के लिए वो लोग प्रेस और आईटी वालों को देने वाले थे। सर, मैंने मीनाक्षी को बोला था कि मौका देख के कॉन्फ्रेंस रूम से दोनों फोन चुरा लेना, और उसने वही किया सर। फिर तुमने इस फोन के बैटरीज को केमिकल एक्सप्लोसिव लगा के ओरिजिनल फोन से बदल दिया और शूटिंग के लोकेशन पे भेज दिया। क्यों? और ओरिजिनल मोबाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि सबूत हाथ न लगे। यही था ना प्लान तुम्हारा? पैसे की लालच में तुमने एक आदमी का खून कर दिया, जान ले ली उसके। लोग शादी में जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, अब ये वादा पूरा करने का मौका हम तुम्हें देते हैं, और वो भी आज से। तो साथ निभाना जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।